डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। मेरठ सरूरपुर के गौरव हत्याकांड में पुलिस ने प्रेमिका समेत 3 लोगों को जरूर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वर्दी भी दागदार हो गई। गौरव के परिजनों ने उसी शाम गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र सरूरपुर थाना पुलिस को दिया था, लेकिन पुलिस इसे दबाए रही। यही कारण रहा कि अगले ही दिन मेरठ के ही बहसुमा थाना क्षेत्र में मिले शव का पुलिस ने अज्ञात में अंतिम संस्कार भी कर दिया। जिले के ही बाकी थानों से यह पूछना गवारा नहीं किया कि उनके यहाँ कोई गुमशुदगी दर्ज हुई है अथवा नहीं। आज पीड़ित परिवार ने SSP ऑफिस पहुंचकर पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने आरोप लगाए कि सरूरपुर थाना पुलिस के दरोगा को 50,000 रुपए लेने के बाद भी उनके भाई की तलाश नहीं की गई। इतना ही नहीं, आरोपियों की गिरफ्तारी की भी कोशिश नहीं की गई। दरअसल युवक की गुमशुदगी के बाद ललिता के परिजनों ने भी उसकी गुमशुदगी पुलिस को बता दी थी। बाद में शव की लोकेशन व ललिता आदि की लोकेशन मेल खाने के बाद ही गिरफ्तारी की गई। मारे गए युवक का नाम गौरव कुमार है। वह ग्राम डाहर थाना सरूरपुर का रहने वाला था, जबकि उसकी हत्या के आरोप में पुलिस ने मोहकम सिंह ग्राम बटावली भानु कस्बा कोटला व ललिता ग्राम डाहर को गिरफ्तार किया है। पहले देखिए SSP ऑफिस पर हंगामा करते हुए परिजन। इस बारे में गौरव के परिजनों ने यह जानकारी firstbite.tv को दी। मामला डार गांव से है जी। मेरा भाई 18 तारीख को गायब करा गया सुबह 10 बजे के करीब। 10 बजे के करीब उसे उठाया गया। उठाने के बाद हमने अगले दिन उसकी रिपोर्ट थाने में दी। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारी कोई वहाँ रिपोर्ट नहीं हुई थी। हमने गुमशुदा की रिपोर्ट दी तो उसमें जो विपक्ष पार्टी थी जो इस केस में उन्होंने हमारी उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हमारा लड़का गायब करता, उन्होंने शांत को अपनी लड़की गायब करती, इनको भाई इसका नाम लगा दो। उन्होंने अगले दिन लड़की गायब करी थी, उन्होंने उसे ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस वालों के पास उसकी डिटेल आई, पुलिस वालों ने हमारी कार्रवाई कुछ नहीं करी, ना हमें उसका प्रूफ दिया कुछ। भाई देखा उनके पास आई है डिटेल। भाई का क्या नाम था तुम्हारा? गौरव भाई का। गुंगा था जी, बहुत सीधा था, सब कुछ गाँव था जी। कौन कौन लोग हैं इसमें मर्डर करने में? मर्डर करने में जी एक तो जी वो है टीटू, एक तो जी टीटू है बीजेपी का नेता जी, बीजेपी का नेता जी। उनने सारा काम उनने कुछ नहीं होने दिया, सलाह बिना उठते बिगड़ सलाह कुछ नहीं हुआ। पुलिस वालों का भी साथ में फिर रहा, वो जैसे वे बाहर अंदर घुमा रहे उसे, कुछ कार्रवाई नहीं होगी। इस बात का जी कल पता चला हमें, 18 तारीख से देखो कितने दिन हो गए। और बॉडी भी नहीं दिया हमें, बॉडी भी पुलिस के कारण उसकी फूंक दी गई थी। उसका जब लाश मिली, उसकी बॉडी मिली है तो उसका फोन बरामद करा पुलिस वालों ने। क्या लावारिश में जला दी? हाँ जी, लावारिश में जलाई। कल हमने थाने में जाके वहाँ पे उन्हें
बोला वहाँ हमने मका जी हमें बंद करो, तो हमें बंद नहीं कर रहे मगर हमारे भाई की कार्रवाई सही हो, हमें उन्होंने बंद नहीं करा, डंडे मारे पुलिस वालों ने और हमें वहां से बाहर काटते, हमें वहां से बाहर निकालते। सरूरपुर थाने में 50,000 रुपए कार्रवाई के इसके लिए जी, थाने से बाहर जाके उसमें लिए जी जंगल में, मगर जी पेटीएम कर दे कार्रवाई हो जाएगी, 24 घंटे में कार्रवाई होगी, 50,000 कैश दो आके। मैं 50,000 देगा उसका भाई अखिलेश बोर्ड गांव में, जैसा उसकी बॉडी हम लेन गए गांव में, पुलिस आई प्रधान पे आकर हम पे हत्यापाई करी उन्होंने, प्रधान के लड़के पे जी धमकी भी दी जी उन्होंने भी, जिन्होंने वो काम करा उन्होंने धमकी दिया, मैं फोन में भी रिकॉर्डिंग है हमारे। मेरठ के SP देहात कमलेश बहादुर ने FirstBite.TV को यह बताया। ये 19 फरवरी 2024 को थाना बैसुमा के बटावली गाँव के जंगल में एक अज्ञात व्यक्ति की शव मिला था, जो जिसके ऊपर कपड़े नहीं थे और उसका चेहरा जला करके उसकी पहचान छिपाने का प्रयास किया गया था। इसकी वेशना की जा रही थी, वेशना के दौरान ये जानकारी आई कि इसमें ये एक जानी थाना क्षेत्र में एक गुमशुदगी दर्ज है, जिसमें एक ललिता नाम की लड़की है जो गायब है, और जांच में ये भी प्रकाश में आया कि इसका एक गौरव नाम के लड़के से संबंध था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये पूरी छानबीन के दौरान दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, एक मोहकम सिंह जो बटावली का ही रहने वाला है और दूसरा उसका मित्र खानू जो मीरापुर मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इसमें जानकारी में आया कि जहाँ पे ये महिला ललिता काम करती थी जानी थाना क्षेत्र में फर्टिलाइजर की कंपनी में, वहाँ मोहकम सिंह ठेकेदार था, इससे भी इसकी संबंध और जान पहचान प्रेम प्रसंग था। इस बात को लेकर के मोहकम सिंह और मृतक जो है गौरव है जो है उसमें कहा सुनी हुई थी, और बाद में इसने जो है मोहकम सिंह ने गौरव से ललिता की शादी कराने के बहाने 18 तारीख को बुलाया और उसको बटावली के जंगल में ले जा करके वहाँ पे खानू के साथ शराब पिलाई, शराब में नशीली गोलियाँ मिलाई, नशा होने पर उसके गले में घाव करके उसको चोट पहुंचाई और उसके कपड़े उतार करके छिपा दिए और उसके चेहरे को जला करके पहचान छिपाने का प्रयास किया गया। ये जानकारी होने पर इनसे मृतक के कपड़े बरामद किए गए हैं और जो मृतक है उसके घर वालों के द्वारा कपड़ों के आधार पर और उसकी आधार पर उसकी पहचान की गई है। इसमें जो अभियुक्त है मोहकम सिंह और अनु और जो लड़की ललिता है इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.TV। नमस्कार। कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है।